पूरा हैरान होकर खड़ा था। साकुरा कहता है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। निरेई कहता है, मेरा मतलब ये फोरिन हाई के 5 किंग्स है और वो सब अभी मेरे सामने खड़े है। साकुरा कहता है, तो कौन क्या है। निरेई कहता है, उन्हें क्या मत बोलो, वो है जिकोकु टीम का हेड सुबाकिनो, कोमोकु टीम का हेड मिजुकी, वो है जोजो टीम का हेड मोमोज, ये है टामन टीम का हेड हिरागी, ये लोग वोफरिन का कोर है। उमेमिया कहता है, यहाँ पर आने के लिए सबका शुक्रिया, तुम सामने जिन लोगों को देख रहे हो वो आज से वोफरिन को लीड करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। आप में से कुछ ने ये नोटिस कर लिया होगा कि हमने इस साल का चारा लगा लिया है। सुगिसिता ने भी इसमें बहुत मदद किया है। इस साल हमारे पास ज्यादा गमले है, मतलब हमें ज्यादा खाना मिलेगा, तो इस समर बारबेक्यू पार्टी हो जाए। हिरागी कहता है, उमेमिया क्या तुम्हें अभी इन सब चीजों के बारे में बात करना चाहिए। उमेमिया कहता है, हमने इन्हें लगाने में बहुत समय दिया है, तो मैं बस उन्हें दिखाना चाहता था। हिरागी कहता है, सारे ग्रेट कैप्टन यहाँ आए है तो उनसे मिलना चाहिए। उमेमिया कहता है, मैंने इस बारे में प्लान नहीं किया था, पर मैं एक चीज कहूँगा, सब लोग मैं तुम पर निर्भर करता हूँ, मैं बस कुछ ही चीजें अकेले कर सकता हूँ, अकेले स्कूल में सबका ध्यान रखना मुश्किल है, तो मैं ये सब तुम पर छोड़ता हूँ। साथियों, अपने दोस्तों को अच्छे से देखो और उनका मदद करो प्लीज। ये सुनकर सब एक साथ कहते है, यस सर। उमेमिया कहता है, फिलहाल मैं चाहता हूँ कि सभी टीम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करो। एक लड़का साकुरा का पीठ थपथपाते हुए कहता है, तो तू हो फर्स्ट ईयर का ग्रेट कैप्टन साकुरा। साकुरा को याद आता है कि वो फर्स्ट दिन जब यहाँ आया था तब इससे मिला था, जिसका नाम है मासुमोटो योडाई। यहाँ पर यानागेड़ा भी होता है। सब साकुरा के साथ तोगामे से उसके फाइट के बारे में बात कर रहे थे। उमेमिया आकर कहता है, तो फर्स्ट ईयर का ग्रेट कैप्टन साकुरा है। शुक्रिया, मैं तुम दोनों पर भी निर्भर करता हूँ, निरेई और सुओ। अगर तुम मुसीबत में पड़ो तो अपने अपर क्लास वालों पे निर्भर करने से हिचकिचाना मत, तुम्हारे बड़े भाई सब संभाल लेंगे। तुम काजी पर भी निर्भर कर सकते हो, काजी उन्हें वो सब सिखाना जो तुम फर्स्ट ईयर में सीखना चाहते थे। काजी साकुरा से कहता है, तुम बेसिकली चीजों को अपनी मर्जी से हैंडल करते हो, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। पहले तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, मैं एक बच्चा हूँ। साकुरा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। इससे काजी का अच्छा खासा मजाक बन जाता है। क्लास में आते ही सब इन तीनों को आज की मीटिंग के बारे में पूछते है। निरेई सब कुछ एक्सप्लेन करता है। सुगेरा कहता है, मैं उन 4 किंग्स का गुण जानना चाहता हूँ। निरेई कहता है, और मैं भी। इसके बाद साकुरा गली में अपने दोस्तों के साथ ऐसे घूम रहा था, तभी ये किसी दूसरे गैंग को नोटिस करते हैं। ये लोग किसी को ढूंढते हुए टाउन के ज्यादा अंदर आ गए थे। तो साकुरा कहता है, अगर तुम लोग कुछ ढूंढ रहे हो तो हम तुम्हारा मदद कर सकते हैं। उनमें से एक हंसते हुए कहता है, हम तुम लोगों को ही ढूंढ रहे थे, पर तुम लोगों में से कोई भी वो नहीं है। ये कहकर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। सुओ कहता है, व्हाइट जैकेट जिस पर ब्लू ड्रैगन स्केलेटन है, ये कील है। साकुरा पूछता है, कील भला ये कौन है। सुओ कहता है, मुझे उतना तो पता नहीं है, पर वो उतने बड़े टीम नहीं है, और ये भी है कि मैंने उन लोगों के बारे में कभी कुछ अच्छा नहीं सुना है। सुगेरा कहता है, मैं तो इनमें से किसी को पहचानता नहीं, और ये लोग फोरिन में किसी को ढूंढ रहे हैं। उसी वक्त एक शॉप लेडी सबको यहाँ बुलाती है। ये लोग देखते हैं कि अंजाई यहाँ बेहोश पड़ा है। सब हैरान थे। जब उसे होश आता है वो एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है कि एक बड़े भालू जैसे दिखने वाले कुत्ते ने उसका ये हाल किया है। साकुरा कहता है, झूठ बोलना है तो कुछ अच्छा झूठ बोलो। निरेई कहता है, ये कितना ऑब्वियस था कि साकुरा ने भी तुम्हें पकड़ लिया। अंजाई कहता है, मुझे अब कहीं जाना है। वो तैयार होके बाहर जा ही रहा था कि सुओ पूछता है, अंजाई क्या तुम्हारा कील के साथ हाथापाई हुआ है। अंजाई कहता है, ये तुम किसके बारे में बात कर रहे हो।
फिर वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। वो शॉप लेडी उसके लिए खाना पैक करके रखी थी जो वो उसे दे नहीं पाई, तो वो बाकी सबको कहती है तुम लोग जो चाहो वो खा सकते हो। ये सुनकर सुगेरा और किरियो अपना ऑर्डर दे देते हैं। शॉप लेडी कहती है तुम सारे फूरिन बच्चे मेरे लिए बेटे जैसे हो। ये सुनकर साकुरा शर्मा जाता है। इसके बाद सब यही बात करने लग जाते हैं कि अंजाई का किल के साथ कुछ लेना देना है क्या। निरई साकुरा से कहता है हम अब क्या करें साकुरा, अगर किल ने उसे चोट पहुंचाया है तो हमें उसे बचाना होगा, हमारा साथी मुसीबत में है। साकुरा कहता है रुको रुको, उसने हमें कुछ बताया नहीं है, इसका मतलब उसका अपना एक प्लान है, हमें पता नहीं कि उसे हमारी मदद चाहिए भी या नहीं। निरई कहता है पर वो हमारे क्लास का है, वो हम में से एक है, मुझे अच्छा लगेगा अगर हम कुछ कर पाएंगे तो। साकुरा उमेमिया का अपने दोस्तों की मदद करने वाली बात को याद करता है और यहाँ से जाने लगता है। वो शॉप लेडी साकुरा को लंच देती है जो लेकर साकुरा यहाँ से चला जाता है। सुगेरा और किरियू किसी भी बात का परवाह किए बगैर खाने पीने का मजा लेते हैं। पार्क में अंजाई किसी लड़की के साथ बात कर रहा था जो उससे पूछती है नागाटो के बारे में क्या। अंजाई कहता है कुछ ठीक नहीं है, मैं उसे वापस नहीं ला सका, वो टीम बहुत खतरनाक है, ऐसा चलता रहा तो नागाटो वो सीमा पार कर जाएगा जो उसे नहीं करना चाहिए। वो लड़की कहती है मुझे लगता है हमें इसके बारे में फूरिन वालों से बात। अंजाई कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, वो फूरिन शहर को बचाने वाला टीम है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं उन्हें इसमें नहीं घसीट सकता। वो लड़की कहती है तो अगली बार मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अंजाई ये सुनकर उस पे गुस्सा हो जाता है, फिर वो एक स्माइल देकर कहता है मैं सब संभाल लूंगा। उसके जाने के बाद वो लड़की रोने लगती है। इस टाइम साकुरा आकर कहता है मुझे सब कुछ अच्छे से बताओ। वो लड़की पूछती है तुम कौन हो। साकुरा कहता है मैं उस बंदे के साथ सेम क्लास में हूँ। वो लड़की उसका फूरिन यूनिफॉर्म देख के उसे सब बता देती है। वो कहती है मैं और अंजाई बचपन के दोस्त है, हम अक्सर पार्क में खेलते थे, एक दिन नागाटो नाम के एक लड़के ने हमें ज्वाइन किया। नागाटो हमेशा से शांत और दयालु था, हाई स्कूल में हम अलग हो गए पर मुझे लगा हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। लेकिन इसके बाद हमें अंजाई और उस लड़की के बीच के उस दिन के बातचीत को दिखाया जाता है। वो लड़की अंजाई के मार खाए हुए चेहरे को देखकर हंसती है और कहती है मुझे पता है नागाटो भी इसे देखता तो वो भी बहुत हंसता। अंजाई कहता है मुझे ये चोट एक बंदे ने दिया है जो किल नाम के एक टीम से है, मैंने देखा किल का एक बंदा पर्स चुरा रहा था, ये शहर के बाहर था पर मैं उसे जाने नहीं दे सकता था, मैंने उसके हाथ को कस के पकड़ा और उसका हुडी उतार के उसका चेहरा देखा, क्या लगता है वो कौन होगा। वो नागाटो था। ये बता के वो लड़की साकुरा से कहती है नागाटो ऐसा कर ही नहीं सकता, आज अंजाई नागाटो को लाने गया था ताकि हम उसके साइड का स्टोरी भी जान सके पर वो खुद ही मार खा के आया और उसने ये भी कहा है कि वो फूरिन को इसमें शामिल नहीं करेगा। फिर वो लड़की रोने लगती है। साकुरा चक्कर पूछता है तुम क्यों रो रही हो। वो लड़की कहती है मेरा बचपन का दोस्त मुसीबत में है और मैं कुछ नहीं कर सकती। साकुरा कहता है मुझे बस उस लड़के नागाटो को यहाँ लाना है ना। वो लड़की कहती है पर फूरिन तो टाउन को बचाने के लिए है। साकुरा कहता है हाँ वो तो है, बस अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। वो लड़की स्माइल करके कहती है तुम एक अच्छे लड़के हो, शुक्रिया। साकुरा शर्मा जाता है और कहता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था क्योंकि तुम रो रही थी। अंजाई की दोस्त कहती है मुझे अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और भूख भी लग रही है। साकुरा अपने लंच को साइड करके कहता है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अंजाई की दोस्त कहती है ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्लास में सब ऐसे बात कर रहे होते हैं तभी एक लड़का आकर अंजाई को एक लेटर देता है। अंजाई पूछता है ये क्या है, एक लव लेटर। वो लड़का कहता है मुझे नहीं लगता क्योंकि एक हुड पहने अजीब बंदे ने मुझे ये दिया और तुम्हें देने को कहा।
अंजाई डरते हुए उसे देखता है और हैरान होकर यहाँ से भाग जाता है। साकुरा भी भागते हुए उसके पीछे जाता है। वो फुर्ती से उसके सामने आकर उसे कहता है कि कल उस लड़की से उसने सब कुछ पता कर लिया है। फिर वो उससे वो लेटर लेके देखता है जिसमें एक फोटो था। फोटो में साफ दिख रहा था कि अंजाई के उस दोस्त नागाटो को किल के बंदों ने बहुत पीटा है। अंजाई वो फोटो लेके जा रहा था कि साकुरा उसे रोककर कहता है मुझे सब कुछ बताओ। अंजाई बताता है कि कैसे उस दिन वो एक पर्स चोरी करने वाले को पकड़ा था और ये देखकर हैरान हुआ था कि वो उसके बचपन का दोस्त नागाटो है। इसके बाद अंजाई सब कंफर्म करने के लिए उसे ढूंढ रहा था पर उसने देखा कि किल के वो मेंबर्स उसे टॉर्चर कर रहे हैं। वो तुरंत उसे बचाने के लिए उन लोगों से लड़ पड़ा पर नागाटो अंजाई के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। वो रोते हुए कहता है कि वो यहाँ अपने मर्जी से है और अंजाई को मारने के लिए लकड़ी का डंडा उठाता है। साकुरा पूछता है इतना सब होने के बावजूद भी वो उनके साथ क्यों है। अंजाई कहता है मुझे पता नहीं पर वो रो रहा था। यही रीजन मेरे लिए काफी है। मैं उसे वहां से बाहर लाऊंगा। साकुरा कहता है तो चलो चले। अंजाई कहता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो। साकुरा कहता है मैंने उस लड़की को प्रॉमिस किया है कि मैं नागाटो नाम के उस बंदे को उसके पास लाऊंगा। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स जो ये सब सुन रहे थे वो भी इनके साथ आ जाते हैं। सेकेंड ईयर का इनमोटो खिड़की से बाहर देखकर कहता है ये सारे क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर अपने दोस्त के खातिर किल का सामना करने जा रहे हैं। इसी के साथ विंड ब्रेकर नाम के इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर खत्म हुआ।